नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A22 वर्सेस Infinix Note 11s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A22 में 6.27 इंच जबकि Note 11s में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A22 में 2.9 इंच जबकि Note 11s में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A22 में 0.33 इंच जबकि Note 11s में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy A22 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A22 में 186 ग्राम्स जबकि Note 11s में 212.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy A22 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A22 में Super AMOLED जबकि Note 11s में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Galaxy A22 में 20:9 जबकि Note 11s में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A22 में 6.4 इंचेस जबकि Note 11s में 6.95 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy A22 में 720x1600 और Note 11s में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A22 में 84.35% जबकि Note 11s में 85.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy A22 में 274 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 11s में 387 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A22 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Note 11s की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy A22 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Note 11s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A22 में Mali-G52 MC2 जबकि Note 11s में Mali-G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A22 में MediaTek Helio G80 और Note 11s में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A22 में 6GB की RAM मिलती है, जबकि Note 11s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy A22 में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Note 11s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy A22 में अप टू 1TB जबकि Note 11s में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy A22 में 2 कलर्स जबकि Note 11s में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy A22 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 11S की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी A22 में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 11S की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी A22 आगे है, मेन कैमरा में नोट 11S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Vivo Y73 2021 है, तीसरा Oppo A16 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A55 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।